48,50,000 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੈਂਕ ਚ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਕਵੋਚਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੋ ਕਵੋਚਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ फिर असी स्टेटमेंट कढ़ाई मेरे खाते चो सारा 800 रुपये मिले तो बाकी जो उन्होंने 41,050 रुपये 41,50,000 रुपये उन्होंने आपे जमा कराया आपे ही उन्होंने कढ़ाए ये नोटिस जोड़े आए हुए हैं ये नोटिस इनकम टैक्स वालों इन वाल पहुंचे सन तो उस तो बाद हैरानी वाला माहौल बन गया 2009 नोटिस जोड़े आए सन तो लगातार उस तो बाद नोटिस आते रहे सन जरा 6,68,060 रुपये जोड़ा कि इनकम टैक्स इन्हों खाते जो बनिया इन्हों का टैक्स है ये टैक्स है जी हाँ जी है वो टैक्स है सर 6,68,060 रुपये जेडे के 41,50,000 रुपये लगा टैक्स हैरानगी हुई सी एकदम ही जो पता लगा कि अकाउंट के इन्ने पैसे आदेशों कढ़ाया भी कुछ कि नहीं कि बस इतना ही सारा कुछ पैसे निके पैसे तो भाई वाल नहीं है सर 2-3 दिन साढ़े घर रोटी भी नहीं बनी कि साढ़े नाल बनी है रोटी खाने नहीं हैगी कि असी इन्ना पैसा भरना कि मैनू यह कहते कि तुहाडे खाते से 10,000 रुपया जमा करा के मैं कढ़ाना तो करते मैं करता मैनू पता ही नहीं कि इन्नी रकम इन्होंने जमा करानी कढ़ानी जे ना कि सानू इनकम टैक्स का नोटिस आता सानू तो पता ही नहीं लगना कि इन्होंने साढ़े नाल की किया साढ़े वास्ते तो यह देना बड़ा औखा होगा कितों इन्ने बच्चे पालने से सर दोस्तों अज बड़ा अनोखा जिहा मामला तुहाडे सामने लैके हाजिर होए आ जो किसी की लाटरी निकलती है तो बड़ी खुशी होंदी है कि मेरे बैंक अकाउंट दे विच हुण पैसे आणगे तो सुख का साह लवांगे पर एक ऐसा मामला है जिहदे विच बैंक दे विच पैसे तो आए पर सुख का साह नहीं आया पैसे जरूर आए पर पैसे पलों दे विच कदों निकल गए पता भी नहीं चलिया उल्टा इनकम टैक्स वालों नोटिस भेज दिता गया कि तुहाडा इनकम टैक्स इन्ना बनता है वह पे करो तो सब तो पहले दस दें कि होया कि आ सामने बैंक देख रहे जी पंजाब नैशनल बैंक तो पंजाब नैशनल बैंक दे बिल्कुल करीब एक चाह की दुकान है जिहड़ी चाह की दुकान एक लेडी चलाउंदे ने असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे तुहानूं सारा मामला भी दसांगे आ पंजाब नैशनल बैंक है तो बैंक तो थोड़ी ही कदमां दी दूरी दे विच चाह वाली दुकान है जिहदे उत्ते असीं हुण कैमरा चलाउण जा रहे हां दिखाउण जा रहे हां कि चाह वाली दुकान किहड़ी जगह ते आ तां फर्क ज़्यादा दूरी दे विच फर्क नहीं आ तो इस जगह के उत्ते होया की है यह भी तुहानूं दस दें कि पैसे किस तरह आए तो कहन जाए ये असी इस महिला जिहड़ी चाह बना रही है बेचारी क्योंकि इन्हां दे पति देव नहीं है कल्ले ही अपने बच्चों नूं पालदे ने तो 41,50,000 एकदम ही इन्हां दे अकाउंट दे विच आउंदा है तो इन्हां नूं पता नहीं लगता अचानक ही पता उदों लगता जो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि तुहाडा इनकम टैक्स इन्ना बनता हैरान हो जाते हैं कि 6 लाख तो उपर इनकम टैक्स दे जिहड़ियां रसीदां भेज नोटिस भेज दिता गया तो वह मैं तारांगी किस तरह हैरान हो जाते हैं कि यह किस तरह हो गया तो अमृतसर की यह तस्वीर है इन्हां भैन जी उन्हां कोई सुनांगे कि आखिर होया की सी तमाम कागजात जिहड़े रखे हुए ने सारी डिटेल रखी हुई है कि किस तरीके दे नाल की होया तो इन्हां को जानकारी सांझी कर लैने सिर्फ कुछ पलों का समा लवेंगे तुहाडे कोलों जे टाइम होवे तो क्योंकि मेहनत कर रहे जे तुसीं अपने बच्चों की रोटी चला रहे जे अपनी रोटी चला रहे जे दसो होया की सी जिहड़े 41,50,000 का किस्सा की है बड़े हैरान ने लोग जो देख रहे ने जिहड़े साडे दर्शक देख रहे ने हैरान ने कि 41,50,000 तुहाडे अकाउंट च आया तो तुसीं खुश नहीं जे तुसीं दुखी जे की होया तुहाडा नाम की तुहाडा सर जी मेरा नाम राई कुमारी है मेरा पंजाब PNB बैंक च खाता हैगा सी चाह दा मैं चाह दा काम करनी बैंक च चाह दिंदी सी मैनू कहंदे जी तुहाडे खाते च पैसे पाने आ ते सब तों ही ना दो कवोचर सैन कर दिओ मैं दो कवोचर सैन कर दित्ते मैनू नहीं पता उन्होंने की किया की नहीं किया मैनू मुड़ के इनकम टैक्स का 2009 च इनकम टैक्स का नोटिस आया तो मैनू कहंदे जी 6,68,000 रुपये हैगा तुसीं इनकम टैक्स ऑफिस आओ असी ऑफिस गए कहंदे जी तुहाडे खाते च इन्ना पैसा हैगा मैं कहा सर सही तो चाह का काम करने मेरे हस्बैंड नहीं गए मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते
मैं तो आप बच्चे पालन रही हूँ तो मेरे को इन्ना पैसा नहीं है। कहते जी तुहाडे खाते च शो हो या। मैं बैंक की स्टेटमेंट कढ़ाई, मैं अपने ब्रदर नू किया, मेरे ब्रदर उन्हां नाल मेरे नाल गए इनकम टैक्स के ऑफिस, वो कहते जी इन्हों का पैसा नहीं है। तो 2000 हसबैंड एक्सपायर हुए थे, उस तो बाद मैं नौकरी करती, मेरी छोटी बेटी सारी 3 साल की सी, बेटा मेरा 7 साल का सी। असी इदा गुजारा करने पर साढ़े को रोटी खाने जोगी नहीं सी, तो असी पैसे कितने जमा कराने। फिर असी स्टेटमेंट कढ़ाई, मेरे खाते चो सारा 805 रुपये मिले, तो बाकी जो उन्होंने 41,050 रुपये 41,50,000 रुपया उन्होंने आपे जमा कराया, आपे ही उन्होंने कढ़ाया। कि जिदा सानू पता भी नहीं, तो अकाउंट का यूज भी कर लिता, तो कनो कन खबर नहीं बली, जो उदो पता लगा जो इनकम टैक्स नोटिस आया उदो सानू पता लगा। उस तो पहले सानू पता ही नहीं सी, ना मैं कभी पैसे जमा कराए, ना मैं कभी कढ़ाए, ना मैं कभी एंट्री कराई सी, मैनू किसी चीज़ का नहीं पता है। मैनेजर कौन सी उदो जो जेके जे एस होगा सी, जुनेजा आर एस जुनेजा है जलंधर का। कागजात जो सामके तस्वीर देख सकते जी, ये नोटिस जोड़े आए हुए हैं, ये नोटिस इनकम टैक्स वालों इन वाल पहुँचे सन, तो उस तो बाद हैरानी वाला माहौल बन गया। 2009 नोटिस जोड़े आए सन, तो लगातार उस तो बाद नोटिस आते रहे सन। हाँ जी सर, हाँ देखो 2015 2010 तो 2011 जी, तो बैंक अकाउंट के जी ट्रांसलेशन हुई वो किधर आ देखो आ जरा 668,060 रुपये जरा के इनकम टैक्स इन्हों खाते जरा बनिया इन्हों का टैक्स है, ये टैक्स है जी। हाँ जी है, वो टैक्स है सर, 668,060 रुपये 60 पैसे जेडे के 41,50,000 रुपये लगा टैक्स। ये प्रूफ सामने तो हुए ने, पर मुश्किल बड़ी वड्डी है, पता नहीं केड़े वाले कह देना कि नहीं जी ये टैक्स तुहानू तारना पेगा, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह ही सुनने मिलता है सरकारी मुलाजम होन और कुछ भी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आम बंदा पहले तो एक पास जो सरकार वालों कहा जाता कि हर कोई अकाउंट जरूर खुलावे, तो जे इस तरह घटनावां होणगियां बैंक अकाउंट खुलवाण तो बाद असी सेफ नहीं होवांगे, तो फिर किस तरीके दे नाल असी अगला कदम चुकांगे, असी किस तरीके दे नाल बैंक दे विच अकाउंट खुलवावांगे। ज़्यादातर देखा जाए तो सारे प्रूफ सानू जमा करवाने पैंदे ने जदों असी अकाउंट अपना खोलदे हाँ, कोई सिम लैनी हो उत्थे भी असी प्रूफ जमा कराने, तो असी सेफ किस तरह असी अपने आप नूं मनीए जे इस तरीके दे नाल किसी नाल भी हो सकता है। आखिर वो पैसे जड़े सी कित्थे गए, कितरों कटवाए, कि वो 2 नंबर के पैसे सन, की सी सारा ये बारे कोई जानकारी साझी की, पुलिस जदों पहुँचती है तुहाडे वल हुण तां उन्हां वल्लों की जानकारी साझी की जाती है? उन्होंने हले तक तो सर मेरे को कोई आया नहीं, मैनूं उन्होंने सद्दिया सी कि उन्हां दी जिहड़ी मेरी फाइल दित्ती हुई सी वो अज जिहड़ी है हैरानगी हुई सी एकदम ही जदों पता लगा कि अकाउंट दे विच इन्ने पैसे आ, उहदे विचों कढाया भी कुछ कि नहीं कि बस इतना ही सारा कुछ। निक्के पैसे, निक्के पैसे ते भाई वल नहीं गए सर, 2-3 दिन दे साडे घर रोटी भी नहीं बनी कि साडे नाल बनिया की है, कि रोटी खाण नूं नहीं हैगी ते असीं इन्ना पैसा भरना कित्थों, 6 लाख रुपये असीं भरना कित्थों। एक वारी तां सर बंदा शॉर्ट हो जांदा कि साडे कोल रोटी खाण नूं नहीं ते असीं इन्ना पैसा भरना कित्थों।
की मांग की करते जे बड़े लोग ने जड़े इस तरह नॉर्मल तरीके बैंक नू सेफ समझते हैं कि इतने असी का अपने का दस्तावेज जमा करा देने नाले धोखा तो घटड़ी ना हो जिनी सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए अगों तो कोई इस तरह किसी गरीब नाल धोखा ना करे शातिर दिमाग दे हुंदे ने जिहड़े चलाक लोग हुंदे ने इस तरह के लोगों ने धोखा करते जिहड़े दिलो किसी कोल पहुंचते ने तो तुहाडे कोल जो साइन करवाए सी तुहानू दस्सिया गया सी कि सिर्फ इहो ही कहा गया सी कि चाह दे पैसे नहीं पर होर भी कुछ दस्सिया नहीं कुछ नहीं किया सी सर उन्होंने सानू मैनू यह कहते कि तुहाडे खाते से 10,000 रुपया जमा करा के मैं कढ़ाना दे कर दियो मैं करता मैनू पता ही नहीं सी कि इन्नी रकम इन्होंने जमा करानी कढ़ानी जे ना कि सानू इनकम टैक्स का नोटिस आंदा सानू तो पता ही नहीं सी लगना कि इन्होंने साढ़े नाल की कीता इनकम टैक्स बचाने वास्ते तो उन्होंने तुहाडे खाते च कीते वो तो आना ही आना सी तुहानू वो तो आना ही आना पर ये सर चलो माड़े मोटे कागज है कुछ चलो परमात्मा कहिंदे परमात्मा सच दे नाल आ भावें 12 साल बाद कहिंदे रूड़ी दी सुनी गई 12 साल बाद मेरी भी थोड़ी बहुत सुनी गई कि जिहड़ा सरकार नूं पता लग गया कि मैनेजर ने यह काम किया जिहदे ते आपां 5-10 हज़ार रुपया कढ़ाने आ नीला वोचर हुंदा उहदे ते करवाए सी बस उस वोचर के उत्ते उन्होंने 17,19,000 उस वोचर से कढ़ाए ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 9,00,000 12,00,000 9.5-9,00,000 7,00,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਏ ਤੇ 7,00,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 7,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ 9,00,000 ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨੀਲੇ ਵੋਚਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਏ ਮੈਂ 2 ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਗਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਸਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ वैसे ही विश्वास उठ गया सर कोई अंदरों किदां दा नहीं किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता जो तुसी ये सैन करके दिते उस तो कितनी देर पहला तो तुसी जानदे सी इस मैनेजर नहीं मैनेजर तो सर इत्थे बड़े आए बड़े गए 3 साल बाद मैनेजर दी ट्रांसफर हुई है उस मैनेजर नूं दी कितनी देर पहला आंदे ही उन्होंने तुहानू शिकार कर लेता धोखे दा या फिर साल दो साल इंतजार शिकार करके सर साल डेढ़ साल विश्वास बनाया पहला तो उस तो बाद विश्वास तरले मारे सी सर के जेड़ा टैक्स बंदा तार दो सानू बचा दिओ असीं ना लैण च ना पता नहीं उहदे मन च की सी परमात्मा जाने उहने क्यों मेरे नाल इदां कीता तुहाडी फोन ते गल हुंदी है मैनेजर दे नाल कोई कदी नहीं सर इत्थे सददे रहे आ जिस तरह असी इत्थे गए सी स्टाफ च गए उन्होंने भी सद्या इनकम टैक्स ऑफिस जाते सी उत्थे भी उन्होंने सददे सी बस उही कहिंदा सी पैसे इहदे आ मेरे नहीं है पैसे मैडम मैं कहना सर मेरे पैसे हैगे नहीं मेरे हुंदे तुसी मेरा घर देखो तुसी मेरी दुकान देखो कि मेरी दुकान ते कुछ हैगा तुहानू आपे पता लग जाएगा कि जे को इन्ने पैसे हैगे ते मैनू की लोड़ सर मेहनत करन दी मेरे बाजार वालियां नू पुछ लो मेरी गली चो पुछ लो कि असी किस तरह दे आ ऐस करके बनी हुई आ 10-10 रुपए का कप चाह का वेच के अपने परिवार का गुजारा करने वाली इस महिला के नाल एडा वड्डा धोखा होया कि अपना इनकम टैक्स बचाने वास्ते हुण ऐ भी नहीं असीं कह सकते कि वो रकम 2 नंबर की सी जिहड़ी इन्हां दे खाते में मंगाई जाती सी भी कितने मेरे दे उत्ते एक्शन आ जाए जो एक्शन आवे इन्हां दे उत्ते आवे तो पता लगे कि इन्होंने ही पैसे का हेर फेर किया यह भी हो सकता वड्डी मुसीबत विच भी फस सकते सन ये पहला जेकर कोई होर गल हुंदी तां टैक्स फिलहाल की कड़ी है टैक्स का जिहड़ा रस्सी इन्हां दे सिर दे उत्ते लमकदी पई है टैक्स भी जिहड़ा इनकम टैक्स उहनूं जल्द तों जल्द तारिया जावे तां बड़ी जद्दोजहद तों बाद यह हल होया तां पुलिस वालों विश्वासन दिता गया कि सानू सच्चाई का पता लग चुकिया तां यह मैनेजर वालों धोखेबाजी की गई सी तां उस मैनेजर दे नाल भी जिहड़ी आ गलबात पुलिस वालों की जा रही है हो सकता है कि जल्द तों जल्द जिहड़ा असल दोषी होवे उह सामने आवे पर सब तों वड्डा मुश्किल दा माहौल इस उदों बणदा जदों विश्वासघात हुंदा है अपने प्रूफ बड़े सोच समझ के हुण तुसीं भी जमा करवाउणा कितें भी सोच समझ के साइन करना क्योंकि जेकर दस्तावेज किसी नूं दे दिए तो समझो कि अपने हाथ वड़ के दे दिते आ तां उस तों बचण वास्ते तुहानूं सकर्त होना पएगा तुहानूं कितें ना कितें अपना ध्यान खुद दा खुद ही रखना पएगा जेकर इहनां दे नाल धोखा हो सकदा तां तुहाडे नाल भी हो सकदा जांच की गई है इह भी असीं गल्लबात करन दी जरूर कोशिश करांगे पुलिस अधिकारियां दे नाल।
तो दोस्तों पीड़ित परिवार को 10 साल इंतजार करना पड़ा। 10 साल इंतजार करने तो बाद पुलिस वालों एक गल कही जाती है कि असी कार्रवाई कर दें, तो 10 साल बाद पुलिस वालों कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के परचा किन्या उत्ते दर्ज किया जाता वो जानकारी भी पुलिस वालों किसी नाल सांझी नहीं की जाती। तो लोगों को असी अवेयर किस तरह करेंगे जिदे जिन्हों के नाल ठगियां हो रही ने या फिर जिन्हों के नाल ठगियां हो सकदियां ने, क्योंकि बैंक के मैनेजर के सिर पर ही पूरे बैंक का दारमदार हुंदा। असी बेखौफ हो के अपने सारे प्रूफ बैंक के जमा करवा दें, तो साढ़े प्रूफा के नाल की हुंदा पिया, किस तरीके दे नाल साढ़े ही नाम के उत्ते अकाउंट खोल जाते हैं सानू भी पता नहीं लगता। तो इस खबर नू ज़्यादा तो ज़्यादा असी चाहते हैं कि साडे दर्शक भी शेयर करन, जो जेड़े कोई ठगियां दे शिकार होने वाले हो बच सकन। तो पुलिस वालों कोई भी जानकारी साढ़े नाल सांझी नहीं की गई। मामला तुहानू दस दिंदे हां कि मामला जिहड़ा कि इस भैन जी को तुसीं सुणिया जिन्हां जिहड़े कि चाह बनाउण दा काम करदे आ काफ़ी सालों तो, उन्हां वालों कहा गया सी कि 2009 दे विच 41 लाख ते 50 हज़ार की ट्रांजैक्शन हुंदी है साडे अकाउंट दे विच। तो 2011 दे विच नोटिस आंदा, तां नोटिस दे विच कहा जांदा है कि 6,68,000 रुपया तुहाडा इनकम टैक्स बनता है। तो फिर वो जदों जज च लग जाते हैं ये साबित करन च लग जाते हैं कि ये पैसे साढ़े नहीं सी, तो रो रो के बुरा हाल हो चुके परिवार का। परिवार सिर्फ मंग कर रहा कि सानू इंसाफ दिता जाए। तो उस तो बाद साडी टीम उत्थे पहुँचती है, पहुँच के गलबात भी की जाती है, पर 6 दिन हो चुके हैं अज खबर कीतिया। इस जिहड़ी खबर तुसीं देख रहे जे ये खबर असी 6 दिन पहला की सी करके रखी सी, तो उस तो बाद लगातार असी पुलिस के नाल कॉन्टैक्ट कर रहे थे जिन्हों वालों जांच की जा रही थी। पर शर्म की गल है तो हैरानी की गल भी है कि पुलिस एक बार भी सामने नहीं आई। एक बार मैं तुहानूं दिखा सकदा कि किस तरीके दे नाल पुलिस अधिकारियों वालों कित ना कि दूरी साढ़े बना के रखी गई है। ACP सुशील इन्हों मैं कॉल की अज, तो मैं पूरी डिटेल दिखाना कि किस तरीके कॉलां कीतियां वा। पहले मैं 26 मई में कॉल की है 12:22 के उत्ते, फिर 26 मई में दूसरी कॉल, फिर 27 मई में, फिर 27 मई में, फिर 28 मई में, फिर 28 मई, फिर 29 मई, फिर कल की है, तो एक अज कॉल की है, तो अजे तक कोई भी जवाब नहीं दिता गया। तो उस तो बाद मेरी कोशिश थी कि पुलिस अधिकारियों ने गलबात कर सकी है, पता लग सके। तो उस तो बाद व्हाट्सएप के उत्ते भी असी मैसेज किया, तो वो देख सकते जी कि मैसेज की आ, सर बहुत फोन किए ने, एक भी फोन तुसी नहीं चुकिया, तो 41,50,000 का जिहड़ा मामला वो उत्ते तुहाडी बाइट चाहिए, तो नीलियां टिक्कां भी लग चुकिया, चैक भी कर लिता गया, तो उहदा एक भी मैसेज जिहड़ा वा रीप्ले नहीं किया गया। तो बड़ी हैरानी की गल है कि असी लोगों को किस तरह बचावेंगे, जेकर इस तरह के हालात चलणगे तो लोग किस तरह बचणगे, लोग अवेयर किस तरह होणगे। एक बार तुहाडे सामने भी मैं कॉल करके देखने की कोशिश करदा, शायद एक कॉल चुकी जाए। ACP सुशील दे नाल गलबात करके देखते हैं, शायद हूँ कॉल चुक लैन, क्योंकि 10 कॉल लागे जागे असी कॉल कर चुके हैं, तो ACP दे नाल गलबात करके देखने की कोशिश करते हैं। बड़ी शर्म की गल है, देख सकते जी कि बड़ी शर्म की गल है पुलिस अधिकारियों वास्ते भी कि सिर्फ इन्नी गल दसन दे विच भी इन्ना टाइम लग रहा है। पहला 10 साल लग गए परिवार को सिर्फ साबित करन दे विच, तां हुण जेकर पुलिस ने थोड़ी जिही कार्रवाई कर भी दिती है, 10 साल बाद जे पुलिस ने कार्रवाई कर भी दिती है, तो दसन नूं तैयार नहीं है। कि पुलिस नूं कोई लालच है किसी गल का, या कोई दोषी नूं बचाण की कोशिश की जा रही है, जिहड़ी मीडिया दे नाल गलबात करन तों दूरी बनाई जा रही है। 6 दिन हो चुके ने सानू पुलिस जिहड़े अधिकारी वालों जांच की गई, जिहदे वालों परचा दर्ज किया गया, उन्हां दे नाल तालमेल मिलदे आ। तो हुण तुसीं इह विचार करो कि किस तरीके दे नाल इहनूं तुसीं शेयर करना इस खबर नूं, तां जो आम लोग जिहड़े धोखे दे शिकार होण वाले ने वो बच सकन। कैमरामैन दिलीप दे नाल सुखचैन सिंह, अमृतसर।